बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे, व्हाट इज़ सिंगल यूजर सिस्टम, बैच सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स क्या होते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स, ट्रैप्स और सिग्नल्स, इनका क्या पर्पज़ होता है, CPU इनपुट आउटपुट क्या होती है, और इस आज के लेक्चर का रिकैप क्या होगा। सिंगल यूजर सिस्टम, जैसे कि आप लोग सारों को पता है कि जो सिस्टम है वो जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, दिस इज़ अ सिंगल यूजर सिस्टम, ठीक है। और किसी एक 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 यूज़र, एक वक्त में एक ही यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। और जैसा अब एक यूज़र यूज़ कर सकता है, और उसको इंटरेक्टिव भी होता है, यूज़र कन्वीनियंट भी होता है उसको, और हम लोग जो काम करना चाह रहे होते हैं वो कर सकते हैं। तो हर यूज़र को जो है वो आप अलग से हर चीज़ दे देते हैं, आप उनका जो है वो सिंगल यूज़र है, उसके ऊपर माउस भी अलग से होगा, उसके जितने भी इनपुट्स हैं वो सारी अलग होंगी, ठीक है जी। इसके बाद वो कोई भी, जो भी आपका सिंगल यूज़र है वो कोई सा भी सिस्टम आपका ले सकता है, वो आपका मल्टी प्रोसेस भी हो सकता है, मल्टी यूज़र भी हो सकता है, कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो भी इस सिस्टम में आ सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो इंडिविजुअल यूजुअली हैव सोल यूज़ ऑफ कंप्यूटर, डू नॉट नीड एडवांस प्रोटेक्शन फीचर्स, मतलब कि मैं अगर अकेला यूज़ कर रहा हूँ उस कंप्यूटर को, तो वो उसके लिए मुझे ऐसा जितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना पासवर्ड लगाया हुआ है। आप अपना ही मुझे इतने ज़्यादा एडवांस फीचर्स की प्रोटेक्शन के लिए, इस यूज़र यूजर के लिए मुझे इतना तगोदो नहीं करनी पड़ती। जी सिंगल यूज़र सिस्टम में ये आता है कि आप लोग ये तो नहीं करना ना कि आपने जो है ना वो डाटा को शेयर करना है किसी चीज़ को, हो सकता है कि दूसरा बंदा भी उस पर आके काम कर रहा है, तो आपको उससे चीज़ें छुपानी है, हाइड करनी है, तो इस तरह की सिक्योरिटी, क्योंकि सिंगल यूज़र है वो एक ही बंदे ने यूज़ करना है सिस्टम, तो उसके लिए ऐसा आपको बड़े जो हैं फीचर्स प्रोटेक्शन के लिए वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिफरेंट तरह के आपके इनके ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, जो कि ये सिंगल यूज़र्स होते हैं, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सारे जो हैं वो ये सिंगल यूज़र के तौर पे भी काम कर सकते हैं। अब बैच सिस्टम क्या होता है जी, जैसे हमारे पहले ये पुराने कंप्यूटर्स की बात है, कि अभी हम ये वाला काम नहीं करवाते, कि पहले ये होता था कि सारे के सारे चीज़ें आपने एक ही बैच में आपने रख दी हैं, और आपने एक कंबाइन चीज़ों को करके, मतलब कि आपने 8-10 टास्क जो हैं वो इकट्ठे किए, और उसके बाद जो है ना वो आपने रनिंग में लगा दिए, कि जी पहले टास्क ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो इस तरह से आप बैचिंग कर लेते थे। तो इस अब वो जैसे आपका फोर्ट्रान सिस्टम था या पुराने सिस्टम थे, उसमें वो ऑटोमेटिकली जॉब जो है ना वो क्यू में लगती जाती थी, कि एक एक पहले आपने 10 चीज़ों को, 10 टास्क आपने दिए, आपने कहा पहले टास्क ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो उसी सीक्वेंस से वो काम जो जो ना होता था चलता जा रहा था। इसको हम जो है ना वो बैचिंग कहते थे, ठीक है जी। अब मेमोरी लेआउट, उसमें बैचिंग में क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आगे एक यूज़र प्रोग्राम का एरिया है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा था, और उसी एक यूज़र प्रो एरिया में एक वक्त में एक ही चीज़ आनी होती थी, ये नहीं है कि एक वक्त में मल्टीपल चीज़ें नहीं आ सकती थी, ओके जी। ये तो इसका लेआउट था। अब जब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम आ गए, उसमें होता ये कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, और उसके बाद आपने उसके अंदर मल्टीपल जॉब्स जो है ना वो रख दी। पहले आपको पिछले वाले सिस्टम में, सिनेरियो में क्या था, कि आपका सिर्फ सिर्फ एक था, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप लोग जो है ना वो कर रहे हो एक एक यूज़र पे एक ही काम कर रहे हो। तो होता ये था कि एज़ पर प्रीवियस जो स्लाइड्स हमने देखी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था और यूज़र एरिया एक ही था, एक वक्त में एक ही जॉब आ सकती थी। जब मल्टी प्रोग्राम में आपके मल्टीपल जॉब्स जो है ना, वो जो यूज़र एरिया है वहाँ पे मल्टीपल जॉब्स आपकी आ सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन मल्टीपल जॉब्स को वो हैंडल कर रहा है। अच्छा जी, अब जैसे ये आपने लिखा कि सेवरल जॉब्स आर कैप्ट इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड द सीपीयू इज मल्टीप्लेक्स्ड अमंग देम, कभी वो जॉब 1 पे आ रहा है, कभी जॉब 2 पे आ रहा है, कभी जॉब 3 पे आ रहा है, कभी जॉब 4 पे, उसका जितना जितना उसने जितना टाइम दिया हुआ है वो तो इसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये सीपीयू 1 है,
तो ये लेट से उसने थोड़ी देर एक ए, 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 दो टास्क आ गया है आपके, ठीक है, P1 एक प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है। तो आपका जो है पहले P1 का थोड़ा सा जितना बर्स्ट टाइम हुआ है, बर्स्ट टाइम का मतलब कि थोड़ा हर टाइम हर थोड़ा थोड़ा टाइम उसने हर जॉब को देना है। लेट से अगर आपकी दो जॉब्स हैं तो दो हैं, अगर चार हैं तो चार हैं, तो एक वक्त में काम एक ही होना है, लेकिन आपको फील इस तरह से हो रहा था कि मल्टीपल काम आपके सारे साइमल्टेनियसली चल रहे। तो पहले P1 को उसने टाइम दिया, फिर P2 को, जैसे ही तो वो जिग जैग एक बन जाता है कि P1 का थोड़ा टाइम होगा, फिर वापस आ गया P2 पे, फिर थोड़ा सा काम P2 पे किया, फिर वापस चला गया P1 पे, फिर P1 पे थोड़ा सा काम किया, फिर P2 पे वापस आ गया। तो इसी तरह से ये जिग जैग जो है ना वो बनता जाता है कि वो शफलिंग करता है, CPU शफलिंग करता है अकॉर्डिंग टू द जॉब्स। अब इसमें जो है वो आपकी स्पूलिंग होती है, मेमोरी मैनेजमेंट है, CPU स्केजुलिंग है, कि ये जो सारी आपकी पिछली वाली स्लाइड जो हमने डिस्कस की है कि आपका स्केजुलिंग कैसे होनी है, कि किसको उसने पहले टाइम देना है, किसको बाद में देना है, ये सारा काम जो है ना। तो ये जितनी भी हमने पीछे बताया मैंने आपको कि पहले P1 पे, P2 पे, P3, अगर आपके दो प्रोसेस हैं तो आपने कैसे मूवमेंट करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है उसको, तो उसके लिए फिर आपकी वो सारी चीज़ें, जाहिर बात है उसने CPU ने सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करनी है, कि आपने किसको क्या टाइम देना है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करनी है, CPU की स्केजलिंग कैसे करनी है, कि कब किसको कब कौन से प्रोसेस को टाइम देना है। हो सकता है कि वो फिर हम आगे जो है ना स्केजलिंग टेक्निक्स में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिन्होंने ये सारी करती हैं। अब टाइम शेयरिंग, ये भी एक आपकी वो जिस तरह हमने पिछली दफ़ा पढ़ा है कि आपका वो जो मैंने कहा कि P1 को टाइम दिया, P2 को दिया, तो दैट इज़ अ टाइम शेयरिंग, कि CPU आपका जो टाइम है वो शेयर कर रहा है बिटवीन टू प्रोसेसेस, इसलिए हम इसको टाइम शेयरिंग कहते हैं। कि J1 अभी कभी J1 आ रही है, कभी J2 आ रही है मेमोरी में, प्रोसेसर उसको उसको कर रहा है। तो ये है कॉन्सेप्ट जो है ना वो टाइम शेयरिंग का। सॉरी तो इसी तरह जो रियल टाइम सिस्टम है, रियल टाइम सिस्टम आपको पता है कि जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन है जो ऑटोमेटिक चल रही होती है, तो ये रियल टाइम सिस्टम है। इनके लिए आपको दो चीज़ें जो है ना वो आपकी दो तरह से होती हैं, हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम हार्ड रियल टाइम सिस्टम वो जो मैंने आपको, उसमें सारी चीज़ें रिटर्न होती हैं कि कब क्या होगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है, तो वो इतने टाइम के बाद टाइमर लगा दी और उस इतने टाइम वो चलती है और उसके बाद चीज़ें धुल के सारी चीज़ें निकली। इसी तरह आपका अगर रोबोट्स हैं, तो ये सारी रियल टाइम जो हार्डवेयर रियल टाइम एप्लीकेशन है जिनके लिए आप जो है ना वो करते हो। इसके लिए आपको कोई मेमोरी, कोई हार्ड डिस्क, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके जी, तो ये है आपका जो है ना वो रियल टाइम सिस्टम। तो आपके जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं उसमें आपकी जो है ना वो मल्टीमीडिया के सिस्टम है, रियलिटी, जिस तरह आपकी वर्चुअल रियलिटी है जो आपने अभी आप लोगों ने काफ़ी सारा नाम सुने होंगे वर्चुअल रियलिटी का, कि आप लोग गूगल्स पहन के तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जो है ना वो आप वहीं पे बैठे हैं और वो सारा काम कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये वो वाले जो सिस्टम है, ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये भी रियल टाइम की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, कि इसमें आपको सारी चीज़ें जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फीचर्स चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपका जो हार्डवेयर था उसमें ऐसा कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी। अब ये जो इंटरप्ट हैं ये क्या काम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसको आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अब ये इंटरप्ट हैं ये क्या काम करते हैं, कि जैसे ही कोई सिग्नल चेंज, जैसे हमने P1 से P2 पे जाना था, तो कैसे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि जी अब तुमने चले जाना है, तो वो हैं वो पर्टिकुलर सिग्नल्स हैं जो के हार्डवेयर आपका सॉफ्ट सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर हार्डवेयर को सेंड करता है, इनको बोलते हैं जी हम इंटरप्ट, कि इतना टाइम तो उन्हें इसके बाद फिर ये वाला सिग्नल सेंड करना है और फिर आपका स्विचिंग हो जाएगी। ओके, तो ये सारा काम जो है ना वो हार्डवेयर ही ट्रिगर कर रहा होता है ये सारे के सारे इंटरप्ट, कि कब किसने क्या काम करना है। अब अगर कोई मसलन को आपने कुछ सिस्टम को
जीरो से डिवाइड कर दिया था। अब उसके लिए कि उसने क्या किया कि आपकी एक एक उसने सिग्नल जनरेट करवाएगा कि ये एरर है, अगर कोई जब भी कोई यूज़र जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करवाएगा तो आपने ये वाला ट्रिगर जो है ना, ये सिग्नल सेंड कर देना है जो कि आपको वो करेगा, हार्डवेयर को बताएगा कि ये काम होने वाला है। ओके जी, अब इन सारों को कौन स्केड्यूल कर रहा होता है कि इंटरप्ट की हैंडलिंग कैसे होती है, इंटरप्ट वेक्टर जो है ना वो सारे का सारा एक बन जाता है कि ये इंटरप्ट जो है ना वो आपने जैसे लिखा हुआ कि इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल्स थ्रू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर विच कंटेन एड्रेस ऑफ ऑल द इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, कि जितने भी आपकी इंटरप्ट आ सकते हैं उनकी रूटीन जो है वो आपकी बनी होती है इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये जो इंटरप्ट था वो आपका इंटरप्ट वेक्टर में सेव सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और जैसे ही हमारी कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही होती हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो ये भी सारी की सारी आपकी इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन लिखी जा रही होती हैं किसी न किसी जगह पे। ये जो चेंजेस है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी नोट डाउन हो रही होती हैं, स्टेट्स जो हैं वो कि कहाँ पे क्या चीज़ हो गई है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हो रही किसी ने जगह पे सेव हो रही होती हैं। ठीक है, तो जितने भी आपकी चीज़ें डिसेबल हो रही हैं या इनेबल हो रही हैं, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो करवा रहा होता है। ठीक है,